का जो पंचायत चुनाव हुआ, जिसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे प्रतिनिधि जो है कि जीतने के बाद वो शपथ ग्रहण समारोह में नहीं शामिल हो पाए और शपथ नहीं लिए, तो उसके लिए क्या गाइडलाइन होगा सर? इसमें कहता है कि राज्य निर्वाचन आयोग का जो दिशा निर्देश था कि आपको 3 महीने के अंदर शपथ ले लेना है, अगर आप शपथ नहीं लेते हैं तो पद को खाली समझा जाएगा। तो एक डेट निर्धारित हुआ था, उस डेट के अनुसार वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य सभी लोगों ने अपना शपथ पत्र लिया, शपथ ग्रहण किया था। लेकिन कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि कतिपय कारणों से उन्होंने शपथ नहीं लिया था। तो उन लोगों से अनुरोध होगा कि जैसे पंचायत समिति के सदस्य जो भी होंगे वो हमारे कार्यालय में आ जाए, कार्यालय अवधि में, और 24 तारीख से लेकर के 31 जनवरी तक की वो अवधि निर्धारित की गई है, और वो कार्यालय में जाते हैं या मुखिया अपने वार्ड सदस्य होंगे वो प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में जा सकते हैं और वहाँ पर शपथ ले सकते हैं। और इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो जारी पत्र है वो आप लोगों को आपने